हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है? सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, चैप्टर 10 का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन क्या होते हैं। जैसे कि हम अपने पिछले 2-3 वीडियोस में ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आज हम इसमें पढ़ेंगे एडवांटेजेस क्या होते हैं ग्रुप डिस्कशन के, ठीक है? इट हेल्प्स टू जनरेट न्यू आइडियाज़। ऑफकोर्स सी बात है, अगर उतने लोग एक साथ बैठेंगे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करेंगे तो नए नए आइडियाज़ जनरेट होंगे ही होंगे। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अ सब्जेक्ट डीपली। जिस सब्जेक्ट पर बात हो रही होती है, ये क्या करता है, हमें मदद करता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में हम डीपली हर कुछ जान जाए। इट इम्प्रूव्स योर डेली एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। ये क्या करता है, हमारी एबिलिटी को कि कुछ अलग सोचने के लिए क्या करता है, मजबूर करता है, हेल्प करता है, ठीक है, बढ़ावा देता है। इट हेल्प इन सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जिस भी प्रॉब्लम पे बात हो रही हो, डिस्कशन हो रहा हो, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी बहुत मदद करता है। इट इम्प्रूव्स योर लिसनिंग स्किल। ये हमारी लिसनिंग स्किल को भी बढ़ाता है। जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, एक एक लोग खड़े होते हैं और एक एक लोग बोलते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी लिसनिंग स्किल को बढ़ाता है, ठीक है, कि हम दूसरे को सुनने की भी आदत डाल लें। इट इंक्रीजेज योर कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। और जैसा कि हम जानते हैं ग्रुप डिस्कशन में हर किसी को बोलना होता है, तो ये हमारा बोलने में भी क्या करता है, कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, बढ़ाता है। होप आपको ये वीडियो समझ में आए हो। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको नोट्स के लिए कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए। एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।